हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा सीमेंटेटेड सॉइल सीमेंट फ्लाई ऐश ट्रीटेड सब बेस बेस पार्ट 3 के बारे में। इसमें मिक्स डिजाइन कैसे करते हैं हम आज सेक्शन 400 में देखेंगे। तो उसमें क्लॉज 4.3.2.6 में लिखा हुआ है दोस्तों, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन सीमेंट फ्लाई ऐश ट्रीटेड सब बेस बेस कोर्स के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि जो सीमेंट की क्वांटिटी लेंगे हम वो किस तरह से लेंगे। तो दोस्तों इसमें कहा गया कि द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सेल बी मोर देन 2% बाई वेट ऑफ सीमेंट फ्लाई ऐश मिक्स। द मिक्स डिजाइन सेल बी डन टू अचीव ए स्ट्रेंथ ऑफ 1.75 MPa व्हेन टेस्टेड ऑन सिलिंड्रिकल स्पेसिमेंस कंपेक्टेड टू द डेंसिटी एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट टेस्टेड इन अकॉर्डेंस विद IAS 27-20 पार्ट 8 एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। आफ्टर 7 days मॉइस्ट क्यूरिंग द डिजाइन मिक्स सेल इंडिकेट द प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट एंड फ्लाई ऐश एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी मिक्स्ड। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो हम सीमेंट का वेट लेंगे वो सीमेंट फ्लाई ऐश का जो मिक्स लेते हैं, जिसमें हम क्रश्ड एग्रीगेट भी मिक्स कर सकते हैं या कि बिलग्रेडेड मटेरियल मिक्स करके, और उसमें दो उसके टोटल वेट का 2% हम सीमेंट उसमें ऐड करते हैं। 2% से अधिक जो है सीमेंट यूज कर सकते हैं, 2% से कम सीमेंट जो है नहीं होना चाहिए। मोर देन 2% 2% से अधिक होनी चाहिए सीमेंट की मात्रा, उसके हिसाब से मिक्स डिजाइन करते हैं। और 2% से अधिक हम सीमेंट की मात्रा रखते जाते हैं और बढ़ाते जाते हैं, और उसमें तब तक रखते हैं कि जब तक कि उसका मिक्स डिजाइन जो हम कर रहे हैं तो उसमें उसकी स्ट्रेंथ जब हम चेक करते हैं तो वो स्ट्रेंथ जो है 1.75 न्यूटन पर mm या 1.75 MPa ये स्ट्रेंथ अचीव नहीं हो जाती, जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो इसमें हम लेबोरेटरी में सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन भरते हैं, एक सिलेंडर भरते हैं जो कि 200 वाइट का रहता है, उसका डाया जो रहता है 100 mm का रहता है। तो सिलेंडर को भरा जाता है IAS 27 पार्ट 8 के अकॉर्डिंग, उसको भरा जाता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और MDD के अकॉर्डिंग। उसमें ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के अकॉर्डिंग उसमें पानी ऐड किया जाता है, और पानी ऐड करके उसमें भरा जाता है, भरकर उसकी स्ट्रेंथ चेक की जाती है। और यदि स्ट्रेंथ 7 days बाद 1.75 MPa मिल रही है तो हमको जितनी भी सीमेंट में मिली हो या कि 2% में मिली है, 2% से ज़्यादा 2.5 या 3% में मिल रही है, तो जितनी भी सीमेंट में हमको स्ट्रेंथ अचीव हो रही है तो उसी को हम बेस मानकर और मिक्स डिजाइन तैयार करते हैं। और 7 days तक हम क्यूरिंग करने के बाद ही इसका टेस्ट करते हैं। और डिजाइन मिक्स भी इंडिकेट प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट एंड फ्लाई ऐश क्वांटिटी। तो इसमें जो डिजाइन मिक्स रहेगा वो सीमेंट और फ्लाई ऐश के रेशियो और मिक्स किए जाने वाले वाटर की जो क्वांटिटी को इंगित करेगा। तो जो भी डिजाइन मिक्स करेंगे तो जब भी इसमें इसकी MDD और OMC निकालते हैं तो उसमें जो भी MDD OMC आता है वो इसमें वाटर की क्वांटिटी को दर्शाता है, जो भी वाटर हमको मिक्स करना है इसमें। तो डिजाइन मिक्स सीमेंट और फ्लाई ऐश के रेशियो और मिक्स किए जाने वाले पानी की मात्रा को इंगित करेगा। तो ये इसके बारे में इसमें बताया गया। इसके बाद आप क्लॉज 4.3.2.7 में देखेंगे तो उसमें वाटर कितना ऐड करना है और किस प्रकार से करना है। तो इसके बारे में द वाटर टू बी यूज्ड फॉर सीमेंट स्टेबलाइजेशन सेल बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम इंजीरियस सब्सटेंस पोर्टेबल वाटर सेल बी यूज्ड। इसमें कहा गया है कि जो हम वाटर ऐड करेंगे सीमेंट स्टेबलाइजेशन के लिए तो वो क्लीन और फ्री फ्रॉम इंजीरियस सब्सटेंस जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उससे मुक्त होना चाहिए। पोर्टेबल वाटर सेल बी यूज्ड, जो पीने योग्य पानी रहता है उसको वो मिक्स तैयार करने में उपयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों इसमें क्लॉज 4.3.3 में आप देखें तो इसमें कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन के बारे में बताया कि हमको जो कार्य करना है वो किस तरह से करना है, निर्माण कार्य किस तरह से करना है। इसमें कहा गया क्लॉज 4.3.3.1 में वेदर लिमिटेशन स्टेबलाइजेशन सेल नॉट बी डन व्हेन द एयर टेम्परेचर इन द शेड इज लेस देन 10 degrees Celsius। जब छाया भी हवा का तापमान 10 degrees Celsius से कम हो तो स्टेबलाइजेशन नहीं किया जाना चाहिए। यदि 10 degrees Celsius से टेम्परेचर कम है तो
सीमेंट स्टेबलाइजेशन करेंगे वो साइड पे, तो सीमेंट स्टेबलाइजेशन नहीं करना चाहिए यदि टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस से कम है तो। इसके बाद क्लॉज 403.3.2 में देखेंगे तो डिग्री ऑफ पोल्वराइजेशन के बारे में बताया गया दोस्तों, जिसको डिग्री ऑफ पोल्वराइजेशन में कहा गया है कि फॉर स्टेबलाइजेशन द सॉइल बिफोर एडिशन ऑफ सीमेंट शैल बी पोल्वराइज्ड वेयर नेसेसरी टू द एक्सटेंट दैट इट पासिस द रिक्वायरमेंट्स एज सेट आउट इन टेबल 400-7 व्हेन टेस्टेड इन अकॉर्डेंस विद द मेथड डिस्क्राइब्ड इन अपेंडिक्स 3। तो इसमें कहा गया है कि जो स्टेबलाइजेशन के लिए जहाँ आवश्यक हो सीमेंट डालने से पहले मिट्टी को चूर्णित किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि पोल्वराइजेशन मतलब होता है मिट्टी को चूर चूर करना, या कि जो उसमें बड़े पार्टिकल्स होते हैं तो जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको एक साइज में लाना, जैसा कि सीव साइज दिया गया है जो नेक्स्ट वीडियो में बताया गया, तो वो सीव साइज में मतलब उसको रखना और उसको चूर्ण किया जाएगा। और जहाँ तक ये संभव हो तो जो अपेंडिक्स 3 में वर्णित मेथड के अनुसार इसमें टेस्ट किए जाने पर तालिका 400-7 में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता हो, तो इसके बारे में बताया गया कि जो भी हम सॉइल लेंगे इसमें यूज करेंगे, चाहे वो क्रस्ट मटेरियल हो या कि सॉइल हो या वेल ग्रेडेड मटेरियल हो, तो टेबल 400-7 में सॉइल पोल्वराइजेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर सीमेंट स्टेबलाइजेशन के लिए जो भी इसमें सीव बताई गई है कि IS सीव डिजाइन 26.5 mm और 5.6 mm, दो सीव इसमें बताई गई है, इनका पासिंग परसेंटेज दिया गया है कि मिनिमम परसेंटेज बाई वेट पासिंग IS सीव के हिसाब से 26.5 mm में 100% पासिंग होना चाहिए और 5.6 mm में 80% तक पासिंग होना चाहिए। इसके बारे में इसमें डिटेल्स दी गई हैं दोस्तों कि जो भी हम इसमें मिट्टी यूज करेंगे तो उनका सीव साइज क्या रहेगा और वो कितने परसेंट तक उसमें पासिंग मटेरियल्स हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें क्लॉज 403.3.3 में बताया गया, क्लॉज 402.3.3 टू 402.3.5 से रिगार्ड्स स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग द स्टेबलाइजर एक्सेप्ट दैट सीमेंट और लाइम प्लस सीमेंट एज द केस में भी सेल बी यूज एज द स्टेबलाइजिंग मटेरियल इन प्लेस ऑफ लाइम। तो इसमें कहा गया है कि जो क्लॉज 402.3.3 और 402.3.5 जिसमें हमने पहले लाइम की स्टेबलाइजेशन पढ़ा था, तो इससे स्टेबलाइजेशन को फैलाने और मिलाने के लिए के संबंध में इसमें जो भी बताया गया है उसके हिसाब से किया जाएगा, इसको स्प्रेड करना, इसको कॉम्पैक्शन करना, इसको मिक्स करना, ये सब कुछ जो है क्लॉज 402 में बताया गया है। तो उसमें आप जो भी डिटेल्स दी हुई है सीमेंट या लाइम प्लस सीमेंट जैसे मामलों में योगी लाइम के स्थान पर स्टेबलाइजेशन मटेरियल के रूप में उपयोग किया जाता है गया है, तो उसके बारे में जैसा लाइम में किया जाता है उसी प्रकार से इसमें सीमेंट में भी स्टेबलाइजेशन किया जाता है, तो उसके बारे में जो भी डिटेल्स उसमें दी गई हैं तो वही डिटेल्स यहाँ भी फॉलो की जाएंगी। तो उसके बारे में इसमें क्लॉज 402.3.3 और क्लॉज 402.3.5 में आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों क्लॉज 403.3.4 में बताया गया मॉइस्चर कंटेंट फॉर कॉम्पैक्शन, जब हम कॉम्पैक्शन करते हैं साइड पे तो कितना मॉइस्चर कंटेंट हमको लेना है, तो इसमें कहा गया है कि द मॉइस्चर कंटेंट एट कॉम्पैक्शन चेक्ड वाइट IS 27B part 2 सेल नॉट बी लेस देन द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कैरिस्पॉन्डिंग टू IS 27B part 8 नॉर मोर देन 2% अबव इट। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो IS 27B part 2 के अकॉर्डिंग जब हम इसमें चेक करते हैं मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं जो भी मटेरियल्स हम लेते हैं, तो IS 27B part 2 के अकॉर्डिंग लिपिड मॉइस्चर मीटर के थ्रू हम या कि उसको ड्राई करके और फिर उसका परसेंटेज निकाल कर मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं, तो उस टाइम में हमको जो नॉट लेस देन बी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जितना भी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हमारा आया है ये 27B part 8 के अकॉर्डिंग जब हम MDD और OMC निकालते हैं, तो जितना भी OMC आया है उस OMC से कम नहीं होना चाहिए और नॉर मोर देन 2% अबव इट, और उस OMC से 2% से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए जितनी भी OMC आई है साइट पे
लेबोरेटरी में जितनी भी OMC आई है तो उस OMC के आसपास ही मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, उससे 2% अधिक हो सकता है, 2% से ज़्यादा अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो भी टॉलरेंसेस में दिया गया है उसको फॉलो करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि जब हम मिक्स डिजाइन करते हैं, चाहे वो CTB हो, सीमेंटेटेड बेस हो, या CTSB हो, सीमेंटेटेड सब बेस हो, दोनों की जब मिक्स डिजाइन करेंगे तो उसमें 2% से ज़्यादा हमको सीमेंट रखना, और सीमेंट रखते हुए उसमें स्ट्रेंथ चेक करना। जो स्ट्रेंथ आएगा दोस्तों 1.75 न्यूटन पर एमएम के हिसाब से, हमको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के हिसाब से देखना है कि उससे कम जो है स्ट्रेंथ नहीं आना चाहिए। जो भी हम मोल्ड भरेंगे या कि सिलेंडर भरेंगे, 150 बाई 150 बाई 150 का मोल्ड भी कास्ट कर सकते हैं, और जो सिलेंडर रहेगा वो 100 डाया का रहेगा, और उसकी हाइट जो रहेगी वो 200 mm की रहेगी। उसमें हम जिस प्रकार से MDD का मोल्ड कास्ट करते हैं, सिलेंडर कास्ट करते हैं, उसी प्रकार से उसको भी कास्ट करेंगे। सेम MDD का हैमर लेकर और उसमें जो है उसको 3 लेयर में कास्ट किया जाएगा, और कास्ट करके हम उसकी 7 डेज बाद स्ट्रेंथ चेक करेंगे कि जो स्ट्रेंथ है उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ जो है वो आ रही है नहीं आ रही, जितना हमको डिजाइन मिक्स डिजाइन में हमको रिक्वायर्ड अचीव करना है 1.75 उतनी अचीव हो रही है कि नहीं हो रही। यदि नहीं हो रही है तो उसमें सीमेंट की मात्रा बढ़ाकर फिर से उसको टेस्ट किया जाएगा, और यदि अचीव हो रही है तो हमको जितनी सीमेंट में अचीव हो रही है तो वही सीमेंट हमको रखा जाएगा और उसी के हिसाब से मिक्स डिजाइन किया जाएगा, और उसी को फॉलो करते हुए CTB या CTSB बेस तैयार किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें जो है पूरी मिक्स डिजाइन तैयार की जाएगी। तो इसके बारे में जो भी डिटेल्स है दोस्तों, तो और भी डिटेल्स हैं जो हम अगले वीडियो में देखेंगे, और इनकी जो भी सॉइल पुलवराइजेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिविल सीमेंट स्टेबलाइजेशन के लिए जो भी सीव इसमें रिक्वायर्ड है वो भी दी हुई है। तो इसमें केवल 2 ही सीव रिक्वायर्ड है। जो यदि हम सॉइल को पुलवराइजेशन करते हैं तो जो रिक्वायर्ड सीव दी हुई 26.5 mm है और 5.6 mm है, मतलब जो भी मटेरियल्स हम यूज करेंगे इसमें वो 26.5 mm से 100% पासिंग होगा और 5.6 mm से 80% तक पासिंग होगा। इनके बीच का जो भी मटेरियल्स रहेगा वो 26.5 mm से 100% पासिंग, और जो 26.5 mm से मतलब जितना डाउन मटेरियल रहेगा वो और 5.6 mm में जितना रिटर्न मटेरियल रहेगा वो यूज करना है हमको साइट पे, और उसी को बेस बनाकर हमको मिक्स डिजाइन तैयार करना है दोस्तों सीमेंटेटेड बेस और सीमेंटेटेड सब बेस के लिए। इसमें फ्लाई ऐश भी हम मिक्स करते हैं, और फ्लाई ऐश मिक्स करके भी मिक्स